ओके क्लास तो चलिए अब हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सो ओरल क्वेश्चन आप रहने दीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन से द टेम्परेचर डिक्रीज एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीज वी रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन द हायर एटीट्यूड द टेम्परेचर इज लोअर लोअर We can divide the earth into three uh, climate zones. Next, the amount of water vapor or mixture present in the air is called humidity. Fill in the blanks. The climate of a place affects the plan, uh, plants and animals as well as the people, their food and clothes. Winds coming from the hot, hot areas increase the temperature uh, of the place and they blow too. blow too. Very cold places experience snowfall instead of rainfall. Torrid zone gets the direct rays of the sun all the years. All the year around. Place near the sun coast have a moderate climate true false may I. we do not have we, see, we do not receive equal amount of heat all at all the places false <coughs> वी डू नॉट हैव रिसीव वी डो नॉट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एट हम क्या सभी इक्वल वी डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं करते हैं एट ऑल प्लेसेस ट्रू ये ट्रू है हम अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ही हीट रिसीव करते हैं प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेस फॉर फ्रॉम द फ्रॉम द इक्वेटर ट्रू टॉयलेट जोन गेट वेरी स्लेंटिंग रेज ऑफ सन फॉल्स टेम्परेट जोन इज वेरी hot फॉल्स क्योंकि वो ना इधर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड होता है वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नो फॉल इंस्टीड ऑफ रेनफॉल ट्रू वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट सो फर्स्ट पेज पर आइए आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आप वेदर का टिक कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक अ सीजन तक क्लाइमेट का टिक कर लीजिए फर्स्ट आंसर हो गया सेकेंड पे आते हैं बच्चों नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस तो ये चार फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर हाइट अब सी लेवल डिस्टेंस फ्रॉम द सी डायरेक्शन ऑफ द विंड ओके okay, मार्क कर लीजिए मार्क करते चलिए मेरे साथ चलिए थर्ड पे डिस्क्राइब द क्लाइमेट कंडीशन फाउंड इन ईच हीट जोन अब क्लाइमेट कंडीशन देखिए आपको कैसे देखिए टॉरेट जोन है तो आपको यहां से लिखना है टॉरेट जोन में

नेक्स्ट वाई आर द नियर वाई आर द एरिया नियर द इक्वेटर हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर एरिया इसलिए ये इतनी हॉट होत होती हैं वॉट इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी पे आते हैं तो ये आप यहाँ से द अमाउंट ऑफ से ह्यूमिडिटी तक आप मार्क कर लीजिए ओके यहाँ से यहाँ तक मार्क करिए ठीक है तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है ओके थैंक यू क्लास